हमारा ये काम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो न्यूज़ मैंने देखी, यूक्रेन और रशिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। रशिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुनाई दे रहा है कि जंग भी हो सकती है। उनके हालात ख़राब है तो जाहिर सी बात है जब जंग होगी तो पूरी दुनिया के हालात ख़राब होंगे, तो साथ साथ हमारे मुल्क के हालात भी ख़राब होंगे। तो इस मुझे तो यूँ लगा कि घर में से जब मैंने ये बात सुनी, क्योंकि न्यूज़ वगैरह तो मैं देखती हूँ, तो मैंने जब ये बात सुनी कि जंग होने वाली है, तो जंग होगी तो जाहिर सी बात है पूरे दुनिया के हालात ख़राब होंगे। तो मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, जंग होती है तो चलो हम भी देख लेंगे। लेकिन कहते हैं कि दो बार पहले भी जंग हुई और जब जंग होती है तो फिर बस कुछ भी नहीं बचता। तो बात सिर्फ यूक्रेन और रशिया के हालात की नहीं है, तो इससे बस मसला ये है कि आलमी जंग शुरू ना हो जाए, और जब आलमी जंग शुरू होगी तो नुकसान पूरी दुनिया को होंगे, सारे मुल्क लपेटे में आएंगे। तो बस अल्लाह, और हर चीज़ जंग से पहले तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जंग स्टार्ट भी होगी इससे पहले हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और हमें बिल्कुल भी, हम ये नहीं चाहते, शायद कोई भी ना चाहता होगा कि इंडिया को नुकसान पहुंचे, और ना इंडिया वाले चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और अल्लाह ना करे किसी को भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि न्यूट्रल आवाम है। अब इसमें आवाम की क्या गलती। तो बस आप लोग सब भी यही दुआ करें कि ऐसा ना हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रशिया और यूक्रेन का मैटर भी सॉल्व हो जाए, तो बस उससे सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उनका मैटर सॉल्व हो जाएगा तो बस आलमी जंग नहीं होगी। तो बस हम सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब, मुझे तो इन चीज़ों का नहीं पता कि जंग किस बात पे छिड़ी है, जंग किस बात पे नहीं हुई। बस जब मैंने ये सुना तो बहुत ही ज़्यादा, फिर बहुत सी बातें हुई, जाहिर सी बात है थोड़ी सी बात जब खुलती है तो बहुत सी बातें होती है। घर के जो बड़े हैं हमें बताते, पहले भी जंग हुई थी, इसमें यह हुआ था, वो हुआ था, और न्यूज़ में तो बार बार बता रहे। तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मम्मा ये जंग होती गया है, मम्मा ये जंग होती गया है। तो बस मुझे भी इतना कुछ खास पता नहीं, लेकिन बस कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के, तो बस जब बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मुझे भी नहीं पता। बस जब से मैंने न्यूज़ में देखा है कि यूक्रेन और रशिया के हालात जब से ख़राब हुए तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि बस दुआ तो हम ये करेंगे कि इनका जो इनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और जंग भी तो बस ऐसी होने वाली है कि एक मुल्क तो ऐसा है कि उसके पास तो सबसे ज़्यादा हथियार है, और ख़तरनाक हथियार है शायद रशिया के पास। तो बस दुआ तो यही हमारी कि जंग ना हो, क्योंकि हम किसी का भी नुकसान नहीं चाहते, जंग किसी औरों की वजह से हो रही है, न्यूट्रल आवाम जो है वो परेशान होती है, आवाम को नुकसान तो होगा, और अल्लाह ना करे जंग हो, क्योंकि ये तो बस सुनते आ रहे हैं, हमने तो कभी जंग वंग देखी नहीं है और अल्लाह ताला कभी दिखाए भी नहीं। तो ये मसला प्राइम मिनिस्टर का है। तो बस मज़े की बात यह है कि इन दोनों की बातें हो रही थी, और बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो गए, तो उन्हीं दिनों में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब वहां गए, उन्हीं दिनों में जंग स्टार्ट हो गई। बस खुदा ना करे कि मामला और बिगड़े, शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते, जो हमारी इज्जत करती है वो उनके बारे में बुरा भला कहती है, यहाँ पे टमाटर महंगा तो इमरान खान बुरा, लेकिन भाई के लोग, भाई के मुल्क इमरान खान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उनको, बहुत ही ज्यादा उनको इज्जत देते हैं, क्योंकि जब जब वो सऊदीया गए वहाँ के लोग भी उनको इज्जत देते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बस उनसे वो कोई अच्छा मशवरा दे दे जिससे कि मामला ठंडा हो जाए, क्योंकि और वैसे मुझे भी इमरान खान साहब बहुत ज्यादा पसंद है, और एनी टाइम 24 घंटे उनके हाथ में तस्वीर रहती है। बस ये तो लोगों की ना एक बुरी आदत है कि गली में बस मोहल्ले के कुछ गटर का पानी भी थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की गलती, अगर ऐसा होता ना तो उनको बाहर इज्जत ना मिलती, जो इज्जत और उन्हें हमें देनी चाहिए वो इज्जत उन्हें बाहर के मुल्क देते हैं, उनका बड़ा नाम है और वो कहीं भी जाते हैं उनको कहीं भी ना नहीं होती है। तो बस हमारी तो ये आदत है, बहुत गंदी आदत है, हमारी कौम की कह रही हूँ, बहुत ही गंदी आदत है, जो चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते। तो बस ये कौन गारंटी लेता है कि इमरान खान आया तब से महंगाई हुई है। तो मेरा तो अंदाज़ा ये है कि जब से जो कोई भी चेंज होता है तो तब से ज़्यादा महंगाई होती है, तब से ज़्यादा मामला बिगड़ जाते हैं ज़्यादा, और इसके बाद भी अब तो मेरा जो दावा है वो कहना है कि इसके बाद भी, शायद आप लोगों को पता होगा इसके बाद पीपल्स पार्टी आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाली है। तो क्या पता, इमरान खान का तो नाम बिला वजह का बदनाम है। बस मुझे बंदे ये दिल से अच्छे लगते हैं, हमारे जो सारे वोट हैं वो हमने उन्हीं को दिए हैं। तो बस अगर ये आप लोग दुआ इतना करें कि आप लोग बस दुआ इतनी करें कि रूस और यूक्रेन की सुलह हो जाए, क्योंकि इसी में सबका फायदा है। ये जब तक सुलह नहीं हो रहा है कि इस जंग के बाद हर जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी हर जगह पे इस जंग की वजह से, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टर जो है ना पेट्रोल का वो रशिया है।
यानी कि जो पेट्रोल सेल करता है वो है रशिया है, सुनाई दिया है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहला भाव पेट्रोल पे चढ़ेगा, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ साथ हर चीज में कि पेट्रोल महंगा हो गया और गोल्ड पे भी ना रेट चढ़ गया। अभी हमने गोल्ड की रिंग बनाई थी तो तकरीबन हमें 15 दिन भी नहीं हुआ, गोल्ड पे ना एकदम से 4-5 हजार चढ़ गए। तो बस इससे सबका किसी का कोई फायदा नहीं है, बस हमारी तो यही दुआ है। हम अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ना बस जंग वहां पे यहाँ बिलावल बोला जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बस मेरी तो दिल की दुआ है कहीं भी ना हो, हर मुल्क में हमारी जैसी इनका कोई कसूर नहीं होता है। अब हमारी भी फैमिलियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो मौत तो बढ़ा के आनी है, लेकिन इस तरह की मौत ना आए, इस तरह के बस मनाजिर हमें देखने को ना मिले, ये जंग जैसी तकलीफें हमारे देखने के लायक की नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा। और हमारे मुल्क तो आपको पता है कि बस इस यहाँ पे हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, हर चीज़ का। तो बस वहाँ पे चीज़ पे 4 पैसे चढ़ेंगे तो यहाँ पे लोग 8 पैसे वसूल करेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ये भी नहीं देखेगा कि जंग होने वाली है तो खुदा के लिए हम मरने वाले हैं या कुछ ऐसा होने वाला है। तो हम ना चीज़ों को सस्ता देते, बिल्कुल ये हमारे मुल्क में नहीं देखा जाता। हमारा मुल्क ना नाम से इस्लामी है, हमारा मुल्क नाम से इस्लामी है, दिल से नहीं है। अलग है ना अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि अक्सर पूरी पूरी रात मेरे जो हस्बैंड है ना जनरल नॉलेज की बातें सुनते रहते हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो उनके साथ साथ जो हमें भी मिलता है तो हम भी सुनते हैं कि इंडिया जो अंग्रेज लोग हैं ना वो तो ना कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी चोरी करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो बिल्कुल भी यानी कि ये सब चीज़ें ना इस्लामी सिखाया, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करते। लेकिन आप लोग नोट करें, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ना झूठ बोलेंगे, ना तो कभी फजूल का झगड़ा करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जब बातें करें तो बहुत ज़्यादा लोग लंबा हो जाएगा, नहीं करते जो कि इस्लाम ने हमें सिखाया। तो हम लोग सिर्फ बस यही बातें करते हैं कि नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी है तो इस पर गुनाह है, ऐसे कपड़े पहननी इस पर गुनाह है ये। तो यहाँ तक सुना है कि जापान में हाईवे पे है ना ऐसी भी दुकानें हैं ना कि जहाँ पे सहूलत की चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पे कोई बंदा मतलब नहीं होता है, कोई सेल्समैन नहीं होता है, वहाँ से हम चीज़ें उठाते हैं लोग और वहीं पे पैसे रख देते हैं। और हमारे यहाँ पे हाईवे के पता है क्या हाल है, हाईवे पे हमारे यहाँ पे दूर दूर तक कोई पानी की बोतल वाला भी नहीं मिलेगा। अंचल की तो बात दूर की, और मिलेगा भी तो 5 के 50 लेगा। हमारे यहाँ पे बस कुछ ऐसी है ना कि ये जो है ना अक्सर बाइक की हमारे बाइक के ना टायर्स की हवा कम हो जाती है तो कवर भी ले लेते हैं, हमारे यहाँ पे फायदा उठाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत सी ऐसी दुकान है जहाँ पे ना कोई चोरी ना कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, गारंटेड है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सी चीजों की मालूमात है, तब जाके मैं बता रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे लिखा अभी आप कोई चीज बाहर रख के जाओ ना तो आप बस 10 मिनट के बाद जाए वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमारे इस्लाम में, हमारा इस्लाम, हम दीन इस्लाम हमें ये सब कुछ सिखाता है, रोजा नमाज कुरान हज जकात इस 5 अरकान के अलावा भी ना हमें ये सारी चीजें हमारे इस्लाम में सिखाई गई। लेकिन यहाँ पे इन चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई फॉलो नहीं करेगा, अलग कोई भी नहीं करेगा, ये सारी चीजें उनके अंदर है। तो किसी का माल होगा फौरन दबा लेंगे, कहीं पे कुछ होगा तो नफा लेने के लिए तैयार रहते हैं, नफा भी ऐसा। अब आज की बात में देख लूं, मैं किसी से कोई चीज लेने गई थी तो मुझे उसकी वो चीज जो है ना, हाँ मेरी जो लहंगा है ना तो उसके लिए मैं डोरी लेने गई थी, तो बस डोरी जो थी वो डोरी सिर्फ है, वो जो दुकानदार है तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 600 की, मैंने कहा ये तो 250 की मेरी पूछी हुई थी, कहा नहीं 600 की दे रहा हूँ लेनी है लो। तो मैंने नहीं ली, उसके बाद मैं पूरी मार्केट घूमी हूँ तो वो डोरी मुझे कहीं भी नहीं मिली, रिटर्न में उसी के पास आई तो मैंने कहा ये तो 250 की है, किसी और के पास थी मगर उसका सेम कलर नहीं था, तो उसने कहा ये बिल्कुल 250 की है मगर इसका कलर नहीं है ना, मेरे पास कलर है तो इसीलिए मैं ना इसको 600 की दे रहा हूँ। तो क्या के फायदा उठा रहे हमारे लोग बोल के उसने सामने से लिए, हालांकि मैंने बहुत बातें सुनाई उसको, कहा नहीं लेनी है तो लोग किसी के पास भी नहीं है, और अगर मेरे पास कलर है तो मैं इसके डबल पैसे लूंगा। तो हमारे यहाँ पे ये वहाँ पे ये नहीं है, मैंने देखा है सुना है पढ़ा है बहुत सी चीज़ों में, हालांकि बस क्या कह सकते हैं, हम लोग ना दूसरों पे बातें कर सकते हैं, दूसरों पे तोहमत लगा सकते हैं, दूसरों की टांग खींच सकते हैं, हमारा ये काम है इस्लाम की बातें। मुझे जो लोग कमेंट्स में आके कहते हैं अगर मैं बताने पे आऊँ ना तो ये व्लॉग तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि हम भी इस्लाम पढ़े हुए हैं, सुना हुआ है, देखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो बस बात आती है ना कहने पे, अपने पे आती है ना, तो लोग खुद को नहीं देखते, हमें पहले खुद को देखना चाहिए फिर दूसरों पे उंगली उठानी चाहिए। तो बस अल्लाह सब पे रहम करे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है रूस और यूक्रेन का मसला सॉल्व हो जाए, और इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा, मुझे यूँ लगता है सॉल्व हो जाएगा, और अगर सॉल्व ना हुआ तो फिर जंग आलमी जंग होगी, और आलमी जंग होगी तो पूरी दुनिया लपेटे में आएगी। दुआ करेंगे, आप लोग दुआ करें कि रूस और मसला हल हो जाए, और क्योंकि बार बार अब न्यूज में यही न्यूज सुनने को आ रही है, और मैं
और हम भी जंग नहीं चाहते, शायद आप सब लोग भी नहीं चाहते होंगे, और किसी भी मुल्क की आवाम जंग नहीं चाहती है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ना जंग नहीं चाहता। तो सब लोग मिलके हम दुआ करेंगे कि इनका इनका जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, ताकि ना कोई बेगुनाह बंदे ना मारे जाए। आप लोग भी कमेंट्स में कहें मैं राइट राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो किस किस को इस बारे में पता है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती, तो मुझे बट आज ही पता चला, और आज मैंने देखी तो मुझे पता चला। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। The end.